ये टीचर दरिंदा बन गया। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। आप हो जाए होशियार, स्कूलों के अंदर भी क्या ऐसा हो सकता है, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं आप सबको कि स्कूल में भी, अपने शहर में भी, क्या जो हम बच्चों को स्कूल को भेजते हैं एक गुरु के पास, क्या वो गुरु हो सकता है ऐसा दरिंदा कि ऐसे दरिंदे ने नारायणा स्कूल नाइन्थ क्लास स्टूडेंट की बच्ची को किया प्रेग्नेंट। ऐसा दरिंदे का नाम है, इस दरिंदे को गौर से देखे, इस स्कूल का जो टीचर के नाम पे जो दरिंदा कलंक है, क्या ये ऐसा कैसे कर सकता है कि नाइन्थ क्लास की बच्ची की अचानक पेट दर्द से उसके घर वाले उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए थे। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। इस दरिंदे ने उस काम को अंजाम दिया। इस दरिंदे का नाम है दुर्गा प्रसाद। नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल्स विशाखापट्टनम में एक स्कूल का जो पढ़ाने वाला जो टीचर या पीटी टीचर ये जो भी है, ये दुर्गा प्रसाद, ये एक दरिंदा है। ये टीचरों के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। मैं अवाम से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों पे खास नजर रखे, एक लम्हा फिक्र करे, बच्चियों पे खास तौर पे ऐसी नजर रखे। जब अपने बच्चियां नाइन्थ टेंथ क्लास की उम्र की हो जाए तो आप अपने बच्चियों पे नजर रखे। अगर वो खामोश है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप थोड़ा जहन को तेज कर ले और वो मां अपनी बच्ची को पहचान ले कि आज मेरी लड़की डल क्यों है। कहीं बैड टच गुड टच का मसला भी अपने बच्चों को सिखाओ कि बैड टच किसे कहते हैं और गुड टच किसे कहते हैं। अपने बच्चियों को ऐसे चीजों में अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं आज ये विशाखापट्टनम में हुआ है, कल शहर हैदराबाद में भी हो सकता है। ऐसे दरिंदे कहीं पर भी हो सकते हैं, गुरु के नाम पे भक्षक हो सकते हैं, ये ऐसे गुरु के नाम पे ऐसे दरिंदे किसी भी स्कूल में हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझाएं और अपने बच्चों को बैड टच गुड टच के बारे में एक लम्हा अपने बच्चों पर फिक्र करें, खासतौर पे अपने लड़कियों पे फिक्र करें। और अपने लड़कियों को अगर वो गुपचुप और खामोश है तो आप उनकी फिक्र करें और उनसे माँ अपनी बच्ची से पूछे कि बेटे खामोश क्यों है, आंख बंद कर कर ना रहे, आप सब जाग जाए, अपने बच्चों की हिफाजत करें। उस दरिंदे को दुर्गा प्रसाद को इस पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया और जेल को रवाना कर दिया गया। शहर हैदराबाद में भी ऐसे कई स्कूल है जिस क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, आखिर नहीं लगाने की वजह क्या है? हुकूमत को चाहिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर को चाहिए कि हर स्कूल के अंदर, लड़की हो चाहे लड़के हो, उन स्कूल के क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगाए। जो नहीं लगाया, समझ लो उस क्लास में गड़बड़ है। मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद, जागरूक रहे, अपने बच्चों की हिफाजत करे, अपने बच्चों पर चील की नजर डाल कर रखे और स्कूलों पे नजर रखे।